श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे को आत्मसात करते हुए पार्टी के कार्यकर्ता दशकों तक लगातार कश्मीर समस्या के समाधान को लेकर आवाज उठाते रहे, लेकिन इस समस्या का समाधान हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के फैसले को संसद की मंजूरी मिली। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अनुच्छेद 370 के हटने के साथ ही इन दोनों राज्यों में भारतीय संविधान लागू हो गया, जिसे वहां रहने वाले सभी नागरिकों को भारत के अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त हो गए। जम्मू कश्मीर के सरकारी भवनों पर से वहां का अलग झंडा हटा लिया गया और अब उसकी जगह सिर्फ तिरंगा लहरा रहा है। अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और वहां के लोगों का भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। बिल्कुल, आज तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उस गवर्नमेंट का और इतना खुश है और चैन की जिंदगी गुजारते हैं हम। यहाँ बहुत सरहदी इलाका है, यहाँ 5-7 फुट बर्फ पड़ती है तो इसमें कभी उठाकर ले जाते थे, अगर यहाँ कोई बीमार जाता है तकरीबन 4-5 दिन के बाद किसी को पता चलता है। अब ये लाइट आ गई, मोबाइल चार्ज होंगे और जिसको भी फोन करेगा वो दस्ती इन्फॉर्मेशन देगी उनको, तो हमारी मुश्किल कहीं हल हो जाएगी। अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनूंगी, खुद की कमाई खुद ही करूंगी मैं ये सीख के, और इंशाल्लाह जब मैं सीखूंगी अच्छे से तो अपना एक बुटीक भी खोल सकती हूँ जिसमें मैं बहुत सारी लड़कियों को ये रोजगार फिर दे सकती हूँ अपने हाथों से, उनको भी सिखा सकती हूँ। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो यूथ हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया के लोग होने की वजह से सफर करते आते थे, उनकी पढ़ाई पीछे रह जाती थी, इसी का रिजल्ट वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते थे और जब जॉब प्लेसमेंट या नौकरियों की बात आती थी उनको नौकरियां नहीं मिल पाती थी और वो पिछड़े रह जाते थे। जो नॉर्मल एरियाज के लोग हैं उनसे कम्पीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। बट अब जो ये रिजर्वेशन केंद्र सरकार ने दी है 4% बॉर्डर की आईबी की, तो इससे लोगों को काफी राहत मिली है। और यहाँ पर घाटी में जो बायोटेक पार्क आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है, इसके लिए हम लोग सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करने जाते हैं। जब इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो चलो हर बंदा अपने घर का थोड़ा सा सिस्टम चलाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ ये पुल बना के, ये हमारा बहुत बड़ा ख्वाब था जो हमारा आज पूरा हो गया। ये जो हमारा माल मवेशी बच्चे यहाँ से स्कूल जाते थे उनको 20-25 किलोमीटर से दूर जाना पड़ता है, अब बहुत नजदीक आ गया। हमारे शुपियन जो हमारा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमको वहाँ रब्ता हो गया उसके साथ। जम्मू कश्मीर के मूल निवास प्रमाण पत्र के नियमों को भी पुनः निर्धारित किया गया है। प्रदेश में अब तक सौतेला व्यवहार झेल रहे पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी और सफाई कर्मचारियों के बच्चे भी अब नियमानुसार जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्राप्त कर सकते हैं।